आईटीसी के शेयर लिया है मृत्युंजय सिंह ने, पटना से हैं ये। अपना ट्विटर हैंडल ही बना लिया मृत्युंजय सिंह फ्रॉम पटना, क्या बात है। और इन्होंने लिए 259 पर, जी लास्ट 2 साल से होल्ड कर रहे हैं ये। जी 600 जाएगा क्या ये? 600 जाएगा, बट इनको फिर यहां से, मैंने बोला ना 18 महीने प्लस, 12-18 महीने प्लस का अगर होराइजन है तो फिर वो सब तब उन तरह के टारगेट सोचने हैं और तभी सोचना है। अगर वो टाइम होराइजन है तो जाएगा, बने रहे। अच्छा, टीवीएस सप्लाई चेन बहुत रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत बड़ा छोटा चार्ट होगा, लेकिन फिर भी देखिए कुछ बनता है इसमें क्या? 100 शेयर लिए 210 पर, नहीं, इसमें तो मैं माफी चाहूंगा, पास करना पड़ेगा मुझे। टू स्मॉल चार्ट। अच्छा, अरविंद गोयल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पास पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के शेयर हैं 1250 वाले, जी बहुत लॉस किया है, क्या करूं? अब देखिए, इतना हाई बीटा सब स्टॉक्स जब आदमी ट्रेड करता है तो थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है, और भाव से एक बार 15-20% गया तो उसी समय राय लेनी नहीं पड़ती है। आई थिंक अभी यहाँ तो बहुत ओवर सोल्ड है, तो मैं यहाँ से तो इनको अभी क्या इसमें नया तो मैं इनको समीकरण नहीं बता सकता। आई थिंक उछालों में एक बार दोबारा राय ले लें, और उछालों में डेफिनेटली एग्जिट करने की भी यहाँ पे थोड़ी कोशिश करें, ऐसा मेरा मानना रहेगा। अच्छा सरवेन, जैसे ऐसे कोई लिखता है जो मैसेज कि मैं सरवेन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छी कॉल देते हैं, तो इससे आपके व्यू में कोई फर्क पड़ता है क्या कि अच्छा चलो इतनी तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टिल्टेड व्यू दे दें, ऐसा नहीं करते आप? नहीं सर, देखिए कोशिश करते हैं कि जितना निष्पक्ष रह सके रहे, और जितनी सच्ची बात दिल से करें वो करते हैं। लोगों को बुरी लगती है, ये साल हमने मंदी कॉल कर दी है, अब हमने जनवरी, और वो उसका डेटा है, मतलब मैं अपने मन से कुछ कॉल नहीं कर रहा हूँ। 44 साल का डेटा बताता है कि इवन ईयर में बाजार एवरेज 25-30% गिरता है, और वो फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा गिरा है, तो फर्स्ट क्वार्टर में अलर्ट रहने का क्वार्टर है, और आप उसमें अलर्ट ही रहेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग जाके सेंसेक्स का 40-44 साल का चार्ट देखें, समझ में आ जाएगा कि हर 2 साल में बाजार 30-35% गिरता ही है, हर साल गिरा ही है, कभी कभी कम कभी ज्यादा, बट एवरेज में बोल रहा हूं 25-30% इंडेक्स गिरता है इवन ईयर में। अच्छा, कुलदीप के सवाल लेते हैं। कुलदीप जी ने सवाल भेजा है कि कंज्यूमर स्पेस में यानी एफएमसीजी में कब आएगी रौनक, और इन्होंने एचयूएल के डिलीवरी ले रखी है 3 साल से 2400 के भाव पे, डाबर भी 520 पे ले रखी है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्यों नहीं रही है? देखिए, इसमें इंडेक्स पे ही ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इंडेक्स देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अब जब ये लास्ट 3 महीनों में बाजार ने शानदार रैलियां रखी हैं, तो ये जनवरी के बाद से चल ही नहीं पा रहा है, और निफ्टी ने तकरीबन 4-5 नए हाई तो अमूमन रख ही दिए हैं, अगर छोटे छोटे इंट्राडे हाईज को भी गिने तो। आई थिंक ये अंडर परफॉर्मेंस कुछ दर्शा रही है कि भाई यहाँ पे थोड़ी वीकनेस रह सकती है, तो मेरे ख्याल से तो उछालों में अगर भाव भाव आए तो आई थिंक थोड़ा निकलना चाहिए। नो डाउट गिरते बाजार में ये सारे स्टॉक थोड़े कम गिरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गिर गए हैं, और ये डिफेंसिव स्पेस है तो पॉसिबली आउट परफॉर्म कर जाए, लेकिन इस तरह के मार्केटों में गिरता सब कुछ है, कुछ कम गिरता है, कुछ ज्यादा गिरता है इंडेक्स से, बट अच्छा, तक ये जी ठाकुर सुबोध ने जो है ना आपकी परीक्षा लेने का मन बना लिया, मेरठ से है ये। जी इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 200 शेयर ले रखे 85 पे। ये प्रश्न जी इनका ये है कि क्या मैं और खरीद लूं, टाइम फ्रेम 30 दिन। देखिए, माफी चाहूंगा, टाइम फ्रेम 30 दिन में तो फिर ट्रेडिंग कॉल हो गया, और इनको हमको कहीं इंट्राडे में ट्रैक करना पड़ेगा। 30 दिन का जब ट्रेड करेंगे तो इनको कहीं हमसे डे टू डे टच में रहना पड़ेगा। ऐसे तो मैं इनको कैसे बता दूंगा कि 30 दिन का ट्रेड में इनको क्या करना चाहिए, बट अमूनली मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इनको 30 दिन का ट्रेड करना है, उनको लेना ही है, तो आई थिंक 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 30 दिन के हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो 88-90 के टारगेट्स रहेंगे, तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 8 रुपए का टारगेट, तकरीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, नीतू कपूर के सवाल लेते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। इन्होंने टाटा पावर ले रखा है, 375 शेयर हैं 290 के भाव पर, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, कोई चिंता नहीं है, लेकिन टारगेट बताइए कि कहाँ तक ये जाएगा जहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए, ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो अब तो प्रोजेक्शन टारगेट्स थोड़े थोड़े लेके चलने पड़ेंगे, और विजिबिलिटी 6-12 महीने की लेके चलनी पड़ेगी। नो डाउट आपके ध्यान बड़े भी रह सकते हैं, बट विजिबिलिटी 6-12 महीने की लेके चलनी पड़ेगी, तो 6-12 महीने के हिसाब से मुझे लगता है अगर ये ट्रेड में बने रहना चाहते हैं और उनके पास नीचे के भाव का है, तो आई थिंक इनको कहीं 330 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और उस केस में इनको तकरीबन 450-460 के टारगेट्स का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए 6-12 महीने के हिसाब से। 6-12 महीने के हिसाब से रखना चाहिए टारगेट। और प्रीति झा का सवाल है सुप्रजीत इंजीनियरिंग पे, एवरेज प्राइस 429 का है, इनका लॉन्ग टर्म व्यू।
देखिए थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक रहता है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम ट्रेड होता है दिन में, मुझे इसमें लाख शेयर से कम भी कभी कभी वॉल्यूम दिख जा रहा है, बट आई थिंक अपने लंबे अवधि के एवरेजेस के आसपास काफी कंसोलिडेट हुआ है लास्ट 5-6 महीनों में, तो ट्रेड में बने रहे 1 से 3 महीना, और उस केस में टारगेट एक्सपेक्ट करें तकरीबन 440-450 के आसपास, और स्टॉप लॉस भी जरूर रखें 400 रुपये के नीचे। ओके, सिडनी से सवाल आपके लिए भेजा गया है, जी गौरव जी ने भेजा है। इनके पास लक्स इंडस्ट्रीज़ के 20 शेयर हैं, एवरेज 1370 रुपये, 1-2 साल वेट कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक 2 साल से तो 1 साल से तो वेट कर ही रहे होंगे, और आई थिंक एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे चल पड़ा है। डेटा इसमें 2015-16 सही है, लेकिन जो सेटअप्स बने हैं उसमें बहुत बड़ा करेक्शन ये ड्रॉडाउन हो गया है। थॉट ये रहेगा कि देखिए उछालों का वेट करें, और नए तो समीकरण अभी नहीं बन रहे हैं ना कोई पैटर्न बन रहे हैं, बट उछालों का वेट करें और एक बार दोबारा राय लें यहाँ पे। लग तो रहा है कि 1400-1450 का एक बाउंस बैक आ जाएगा, बट वो जब बनेगा तब देखेंगे। ओके, तुहिन कुमार सिंह भारत फोर्ज ऐड करना चाहते हैं, यूपीएल करंट लेवल पे क्या लेना चाहिए? देखिए अंडर परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं तो पाई अच्छी बात है, अंडर परफॉर्मेंस में ट्रेड ढूंढ रहे हैं, यूपीएल की बात कर रहा हूँ, बट अभी मैं कहूंगा वेट, अभी भी वेट करें। देखिए गिरते बाजारों में जो वीक चीजें होती हैं वो ज्यादा और गिरती हैं, तो थोड़ा वेट करें, और इवन फॉर भारत फोर्ज मैं बोलूंगा वेट करें, अच्छे मौके मिलेंगे। देखिए भारत फोर्ज में किसी ने वेट किया होता तो हम जो लास्ट कुछ महीनों से बोल रहे हैं कि वेट करें अगर आपके स्टॉक्स, तो आप देखिए काफी अच्छे पैसे यहाँ पे उनके बच गए होते। तो थॉट यही है कि थोड़ा वेट कर ले, इस साल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा नीचे लेने के लिए मिलेगा। अच्छा, ऐसे वारेन प्रोफेसर ने कहा था कि जब सब लोग स्टॉक से मुंह मोड़ लें, उसकी तरफ देखें भी नहीं और सब लोग इग्नोर करने लगें, तब इन्वेस्टर को ग्रीडी हो जाना चाहिए। तो जी क्या यूपीएल में वो समय आया है कि अभी और थोड़ा इग्नोर करना चाहिए उसको? नहीं, यूपीएल में देखिए मे भी वो समय आया हो, बट बाजार का वो समय अभी नहीं आया है। मतलब वॉरेन बुफे साहब के इंडिकेटर में डाओ और S&P तो 1.5-2 साल से रेड जोन में है, रेड हॉट जोन में है। मतलब उनका जो इंडिकेटर है मार्केट कैप टू GDP वाला, उसमें आई थिंक वी आर इन अ रेड हॉट सेल जोन, तो अभी वो तो 1.5 साल से उनका ही इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मौकों पे कहने का, क्योंकि जो यूफोरिया चला है वो खतरनाक चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरी हाइपोथेसिस यहाँ पे इस साल की है कि अगर मैं अपना बेस्ट केस सोचूं सपने में कि भाई क्या लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कि निफ्टी शायद 24-24 हज़ार हो जाएगा, तो यहाँ से 8% ऊपर है, और SBI की FD में 7.5% मिलता है, तो खाली 75 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं पूरे साल रिस्क लेके क्यों खड़ा रहूंगा बाजार में, नहीं, मैं फिर सबको ये बेच समझा। दूंगा ना, मैं 24,500 में बेच के फिर FD करूंगा। नहीं, सर, तो रिस्क उतने हाँ रिस्क में आप खड़े नहीं रहेंगे ना, साल भर आप रिस्क ले रहे हैं खाली क्वार्टर बेसिस पॉइंट के लिए, आप 75 पैसे के लिए आप रिस्क नहीं लेंगे पूरे साल के लिए, जब तक ऐसा ना लगे विजिबिलिटी में कि बाजार 7-8% आउट परफॉर्म करेगा FD रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को, वो साल को मैं इन्वेस्टमेंट का साल नहीं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, बाकी लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट जिस साल मुझे इंडेक्स में 15% नहीं दिख रहा वो साल इन्वेस्टमेंट का मेरे हिसाब से नहीं रहता। वो साल इन्वेस्टमेंट का नहीं रहेगा। और जब ये समीकरण जुड़ता है इवन ईयर के साथ, हर हर साल मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये साल की साइकिल ऐसी जुड़ी है कि इसी साल हम ये बोल रहे हैं, पिछले साल हमने ये नहीं बोला था। ओके, इस साल आप कह रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें, रुक रुका करें। अच्छा, एक सवाल लेते हैं उपेंद्र सिंह का। उपेंद्र सिंह जी ने अक्जो नोबेल, ये पेंट वाली कंपनी है, 2658 पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्होंने खरीदी है। अब इनका सवाल ये है कि क्या ये स्विच करें किसी और स्टॉक में? अभी ये देखिए बीच में ग्रासिम भी आ गया है, तो खैर फंडामेंटल तो मैं जी अभी बताऊंगा, आप पहले एक्जो नोबेल का चार्ट देख के बताओ। देखिए, एक चीज तो उनको बोलूंगा कि भाई थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर लें, हाँ ये सब स्टॉक थोड़े इलिक्विड से रहते हैं कंपैरेटिवली, जहां इतना बाजार लिक्विड हो चुका है, ये स्टॉक दिन में कभी 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 15,000 शेयर 20,000 शेयर ऐसे ट्रेड होता है, तो बहुत कम लिक्विडिटी है यहाँ पे, अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आपको बेचने में बड़ी तकलीफ होगी, तो ऐसे शेयरों में बड़ा मुश्किल होता है टेक्निकली भी, क्योंकि 10-20 हज़ार शेयर की भी सेलिंग आएगी तो भाव इधर से उधर हो सकता है, या 10-20 हज़ार शेयर की बाइंग भी आएगी तो भी भाव इधर से उधर हो सकता है, तो थोड़ा मुनाफा बांध ले टाइम रहते, क्योंकि इन सब चीजों में एग्जिट नहीं मिलता है, जिस दिन बेचना चाहेंगे ना उस दिन कई बार बिकता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं रहती, क्वांटिटी नहीं बेच पाते आप, 100-150 शेयर रहेंगे तो। जी ये बड़ा संकट है। मान लो आपने MRF के शेयर ले रखे हैं 5, जी पैसा तो आपके पास है 7.5 लाख रुपया, लेकिन जी बेच नहीं पाओगे ग्रुप, इतना कम वॉल्यूम होता है कि आप बेचने जाओगे तो पता लगा
कैसे बिकेगा? एमआरएफ की बात से याद आई, और सोशल मीडिया का दिन है तो ट्विटर पे ही सब, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सज्जन का, वो एमआरएफ का केस स्टडी दिखाते हैं कि उनके इंडिकेटर ने 28,000 पॉइंट कमा के दिए, वन साइड बाय आया फिर सेल आया तो 28,000 पॉइंट बीच में बने, लेकिन ये नहीं कि उस लेवल पे जितने वो लिए और बेच की बात कर रहे हैं उसमें खाली 1500 शेयर ले सकते थे और ट्रेड कर सकते थे। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब कोई अमृत का घड़ा है, लेकिन पीने पीने जाएंगे तो आप उसमें कुछ पीने के लिए अमृत है नहीं, एक 5 ml भी उसमें अमृत नहीं है। 1500 शेयर 2800 पॉइंट में आप क्या कमा, 28,000 पॉइंट में आप एक दो लोग कमा लेंगे, 10 लोग कमा लेंगे, और कितने लोग कमा लेंगे उसमें? ये तो आप लेके रख दो फोटो फ्रेम करके, देखो हमने 2000 रुपए में MRF लिया था, 1.5 लाख का हो गया, बताने के लिए तो अच्छा लगता है, कितना बढ़िया रिटर्न है। अच्छा चलो ये बताओ आप जी, लिक्विड वाले की बात करते हैं। बंधन बैंक 500 शेयर 346 पर लिए हैं प्रेम सहगल जी ने लखनऊ से, अब बताओ हाईली लिक्विड शेयर है, अब क्या करें इसमें? नहीं, हाईली लिक्विड शेयर है और बहुत दिन से पिस भी रहा है, बीच में इसके उछाल हमने खेले थे, लोगों को आगाह भी किया था कि भाई अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है, उन्हीं एरियाज पे दोबारा आया है, तो नो डाउट आई थिंक इसके पहले भी 200 रुपए के आसपास के लेवल से एक अच्छा पुलबैक आया था, हल्का एक स्पाइक नीचे गया था, बट 200 के आसपास अगर आप देखें तो कितने बॉटम्स हैं, राइट फ्रॉम 2022 के बाद से आई थिंक 4-5 बॉटम इन एरियाज में लगे हैं इसके, 200, 212, 210 इन एरियाज में, और एक शायद उससे थोड़ा नीचे भी गया है, तो आई थिंक लिस्ट रिस्क एरिया में है। बैंकिंग में अगर मुझे सबसे लिस्ट रिस्क एरिया में कोई टेक्निकली स्टॉक दिखता है तो यही है। आई थिंक अगर आप 200 के आसपास ले रहे हैं तो आप 180 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और पुलबैक टारगेट भी बड़े शानदार आ जाते हैं ऊपर में, तो आई थिंक 250-260 तक के टारगेट्स आ जाएंगे, तो 200 में अगर लिया और 60 रुपए कमाए और 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखा तो बहुत बढ़िया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ। अच्छा एक और जल्दी से जवाब चाहिए, विजय एम संगानी का सवाल है ग्रीव्स कॉटन पे, 400 शेयर है 231 के भाव पर, क्या करें? आई थिंक यहाँ से तो ट्रेंड बने रहे और एक बार मुझे लगता है उछाल में 185-190 आएगा, उस समय दोबारा एक बार राय लें, बट फिलहाल ट्रेंड में बने रहे एक से तीन महीना बने रहे। अच्छा मैं बीच में भूल गया था बताने के लिए कि वो पेंट वाला जो धंधा है ना, उसमें देखिए ग्रासिम के आने से बहुत हलचल होने वाली है, 1 shot 50% का जो कैपिटल एलोकेशन उन्होंने कर दिया है फैक्ट्री लगाने में, 50% मतलब पूरी इंडस्ट्री ने 20,000 करोड़ लगाए फैक्ट्री में और 10,000 करोड़ अकेले लगा रहे हैं और एकदम नए प्लेयर आके, तो ये बहुत हलचल मचाने वाला है। मतलब एक शांत तालाब था जहाँ सब लोग 12% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, इन्होंने आके बड़ा पत्थर मार दिया उसमें, अब ये हलचल मचेगी, लहरें बाहर तक आएंगी, तो इसमें मार्केट शेयर डिस्टर्ब होगा, मार्जिन डिस्टर्ब्स होंगे और प्राइसिंग पे असर आएगा, ये सब आपको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। इसलिए पेंट कंपनियों में कोई भी निवेश करने से पहले बहुत ठोक बजा लीजिएगा, ये होने वाला है नेक्स्ट 1 year के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बिरला साहब एग्रेसिव हैं, वो कह रहे हैं कि हम कितने 3 लाख शहरों तक पहुंच जाएंगे इस साल के अंत तक, सारी फैक्ट्री ऑनलाइन हो जाएंगी, तो इट इज़ गोइंग टू चेंज द गेम। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। हम लोग अब सोमवार को फिर मिलेंगे सरवन जी के साथ, तब तक वीकेंड में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हर्षदा जी के साथ देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।